सौरभ भारद्वाज क्या कुछ कह रहे हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सुनते हैं। बड़े नेता उस मंच पे इकट्ठे हुए। हम छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारी पार्टी के जितने सीनियर थे सब तो अंदर चले गए। मैं हूं, आतिशी है, दुर्गेश है, संदीप पाठक हैं। हम लोगों ने फोन कर करके इन नेताओं को कहा कि प्लीज आप आइए, हमारे नेता आज जेल में हैं, हम दिल्ली में एक बड़ी रैली कर रहे हैं। हम जैसे लोगों ने, जिन पे हमारे पास फोन नंबर भी नहीं थे, इन लोगों के फोन नंबर भी मांगे। अखिलेश यादव का नंबर दे दीजिए, फारूक अब्दुल्ला साहब का नंबर दे दीजिए। पहली बार फोन कर रहे हैं तो उनके पास नंबर भी नहीं है हमारा, क्योंकि हमने कभी किया ही नहीं उनको फोन, हमें जरूरत ही नहीं पड़ी। हम लोग इतने जूनियर थे अपनी पार्टी में, किसी से नंबर मांगे, व्हाट्सएप किए, उनसे बात हुई। सब लोग, चाहे डेरेक ओब्रायन हो, ममता जी हो, स्टालिन साहब हो, सब लोगों ने इतनी गर्मजोशी से कहा कि नहीं, हम जरूर आएंगे। अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है, हम जरूर आएंगे। और इतने लोग आए, इतने बड़े बड़े नेता आए। अब भारतीय जनता पार्टी परेशान है, भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि इनका सब कुछ तो कर दिया जो करना था, पूरा जो प्लान था वो तो खत्म हो गया, सारे बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, मगर ये पार्टी तो अभी भी खड़ी है। अब जनता के बीच में ये बात है कि पार्टी तो मजबूती से खड़ी है, पत्रकारों को बात इसलिए नहीं पता चलती क्योंकि जनता डर रही है। जनता बोलने से डरती है, वोट डालने से नहीं डरेगी, ये बात भारतीय जनता पार्टी जान रही है। और आज देश की जनता डरी हुई है, ये देश के लिए बहुत बड़ी चिंता की बात है। क्योंकि डरे हुए तो तब थी जनता जब अंग्रेजों का शासन होता था, लोग डरते थे उनके सामने अपनी बात कहने से, लोग डरते थे अपनी मन की बात कहने से, लोग डरते थे अंग्रेजों से सवाल पूछने से। और डर के, डरा के, दबा के, जेल का डर दिखा के अंग्रेज हम पे शासन करते थे। आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार लगभग वैसे ही हो गई है कि लोगों को जो आवाज उठाए उनको डरा के, जेल भेज के, धमका के, बाह मरोड़ के शासन चलाना चाह रहे हैं। ये बात मैं ना भी कहूं, सारे देश की जनता जानती है कि आज सिर्फ डर है। आज आतिशी ने 10 बजे प्रेस वार्ता करके आप सबको बताया। आप सोचिए, आतिशी जो पार्टी की आज बड़ी नेता हैं, उन तक को अगर उनके किसी बहुत करीबी आदमी के माध्यम से ऑफर दिया गया है कि अगर आम आदमी पार्टी छोड़ दोगे तो बहुत बढ़िया करियर बना लेंगे, और अगर नहीं छोड़ोगे तो जेल जाओगे 1 महीने के अंदर अंदर ही, तो खुल्लम खुल्ला धमकी है। और ऐसा नहीं है कि धमकी हवा में है, इस धमकी के मिलते जुलते साक्ष्य आपको भारत की राजनीति में महाराष्ट्र से लेकर असम तक हर जगह दिख रहे हैं कि जिस जिस को भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी ने कहा उसके खिलाफ कैंपेन चलाया, या तो वो भारतीय जनता पार्टी में आ गया, वॉशिंग मशीन में धुल गया, उनका भारतीय जनता पार्टी का उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री बन गया, सांसद बन गया, राज्यसभा चला गया, नहीं तो वो जेल चला गया। ये आज भारत में हर जगह दिख रहा है। और अब जो बात आ रही है कहने में वो ये है कि भैया अब 4 लोग तो इनके अंदर कर दिए, मगर आम आदमी पार्टी तो अभी भी किसी ना किसी तरीके से चल रही है। तो अब 4 और लोगों का नंबर लगाया गया है, उसमें पहला नंबर मेरा है, दूसरा नंबर आतिशी जी का है, तीसरा नंबर राघव चड्ढा का है, चौथा नंबर दुर्गेश पाठक का है। तो ये तो खुल्लम खुल्ला गुंडागर्दी हो गई, ये तो दादागिरी हो गई कि भाई आपको इसको गिरफ्तार करोगे, नहीं तो इसको करोगे, नहीं तो इसको करोगे, नहीं तो इसको करोगे, ये नहीं होंगे तो बाकियों को करोगे। मैं भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहता हूं, वो भारतीय जनता पार्टी जो कहती थी आम आदमी पार्टी एक आदमी की पार्टी है, सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी गए और पार्टी खत्म, यही कहती थी ना भारतीय जनता पार्टी,
अरविंद केजरीवाल को ले गए, मनीष सिसोदिया को ले गए, संजय सिंह को ले गए, सत्येंद्र जैन को ले गए, मगर पार्टी की सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप आ गई। जो लोग कहते थे कि ये पार्टी के अंदर सिर्फ एक ही आदमी है, ना सेकेंड लाइन है ना थर्ड लाइन है, उनको पता चल गया फर्स्ट लाइन ऑफ लीडरशिप अरविंद केजरीवाल जी जेल में है, सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन जेल में है, थर्ड लाइन ऑफ लीडरशिप हम सेकेंड नहीं है, हम थर्ड थे, आतिशी, सौरभ भारद्वाज, राघव चड्ढा, दुर्गेश पाठक, आज वो फर्स्ट लाइन बन गई है, आज वो लोग चला रहे हैं, सरकार भी चला रहे हैं, पार्टी भी चला रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहता हूं, आप थर्ड को भी जेल में ले जाओगे फोर्थ आ जाएगी, फोर्थ को ले जाओगे फिफ्थ आ जाएगी। आप इस मुखालते में मत रहो कि आम आदमी पार्टी को आप खत्म कर दोगे, और उसका कारण यह है आम आदमी पार्टी की जो ग्रोथ है वो एक ऑर्गेनिक ग्रोथ है। ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी बस किसी ने बना दी और वो बन गई, ये पार्टी आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, रामलीला मैदान की मिट्टी से निकली हुई पार्टी है। इस पार्टी के अंदर आपको पता ही नहीं कि कहां कहां से कौन कौन लीडर निकलेगा, और यही कारण है कि आम आदमी पार्टी आज भारतीय जनता पार्टी वालों के सपनों में आती है। ये किसी से परेशान नहीं है, बड़ी बड़ी पार्टियों से परेशान नहीं है, जिस पार्टी को ये कहते थे सुपारी जितनी पार्टी है, मजाक उड़ाते थे, आज पता चल गया वो मजाक नहीं था, वो इनका डर था कि आज आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की दुश्मन नंबर वन पार्टी है, जिससे इन्हें इतना डर है कि अगर आम आदमी पार्टी को खत्म नहीं किया गया तो आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति खत्म करने का पूरा मादा रखती है। यह बात आज भारतीय जनता पार्टी को मालूम है। अंत में मैं यही कहूंगा कि जो भारतीय जनता पार्टी की नेता बार बार टीवी पे आके अरविंद केजरीवाल जी का मजाक उड़ाते हैं, मैंने देखा कोई कह रहा था कि अरविंद केजरीवाल जी रात को सो नहीं पाए, जेल में पहला दिन था उनको नींद नहीं आई, कितने शर्म की बात है कि भारतीय जनता पार्टी इस चीज का मजाक उड़ा रही है। और जितना ये मजाक उड़ाएंगे अरविंद केजरीवाल का, हमारे को जेल में भेजने का, दिल्ली की देश की जनता इनसे उतनी घृणा करेगी। इनको लगता है कि अरविंद केजरीवाल के मेम बना रहे हैं, अरविंद केजरीवाल का मजाक उड़ा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल के ऊपर मजाक बना देंगे तो एक लतीफा बन जाएगा, ये लतीफा नहीं बनेगा। आपने दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को जबरदस्ती झूठे केस के अंदर जेल भेजा है, जिन गवाहों की गवाही पे आपने जेल भेजा है उन गवाहों से आपने 55 करोड़ की रिश्वत ली है, ये साक्ष्य है हमारे पास। जिस दूसरे आदमी की गवाही पे आपने अरविंद केजरीवाल को जेल भेजा है, उसके पिता को आपने टीडीपी से टिकट दिया है, उसके पोस्टर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का फोटो लगा हुआ है, वो चुनाव लड़ रहा है एनडीए की तरफ से, ये जनता को पता नहीं है, ये आपकी बेवकूफी है, जनता को सब मालूम है। और ये जनता भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में जवाब देगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके पास कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। क्या सर ये आपको शिकायत दर्ज कराएंगे? नहीं, किससे शिकायत दर्ज कराएं? जो आपको डरा रहे थे। नहीं, कौन? आप ये बताओ, हमने 55 करोड़ के सबूत दिए, कुछ हुआ अभी तक? खुल्लम खुल्ला तो है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे पड़ा हुआ है। जिस आदमी को, शरद रेड्डी को गिरफ्तार किया इन्होंने, जिसके बारे में कहा कि वो शराब घोटाले का तथा कथित